समय आता है जब अपन लोग सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या मनाते हैं नवरात्रि के ठीक पहले। जिन जिनकी भी तिथियां होती हैं यदि याद रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या के शास्त्रीय वैज्ञानिक प्रयोग है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी छिपी है, जिन पितरों की कृपा से हमको ये जीवन मिला और क्या करें, सबसे अच्छा तरीका यही है। परम पूज गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं। ॐ पितृभ्य स्वधायेभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधाय पितरो मे मदन्त पितरो मृत्तपन्त पितरा पितरा मुक्तजुम्नाः। ॐ पितृभ्य नमः, नावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि इन्द्राणि नावाहनम्। श्रम सीता की देवी, हमारे जीवन में श्रमशील हम बने और श्रम करेंगे तो देखिए आपका जीवन आरोग्य में भी चलेगा। जी तो रोज शाम को खुरपी लेके और बागवानी में निराई गुड़ाई, घर तो वो वैसे नए रहे तो कम से कम सप्ताह में एक दिन वो पूरे घर की सफाई करो। अरे यार इतना छोटा काम होता है? अरे भाई वो छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, लेकिन स्वास्थ्य तो वही रहेगा आप नहीं रहोगे। ठीक है नौकर रखे ठीक है, लेकिन आपको सप्ताह में एक दिन श्रमदान कर। भावना गलत है, मोहल्ला देखो कितना गंदा रहता है, नाली भैया आप जीत गए सफाई कराओ, उसको कराना पड़ेगा वीरता की प्रतिमूर्ति। जी आज किस तरह का कार्यक्रम शांति कुंज के तत्वाधान में यहाँ बंधवा तालाब मैदान में 24 कुंटी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें प्रथम दिन का कार्यक्रम कल हो चुका, आज जो प्रातः 6:30 बजे से सामूहिक जप ध्यान का कार्यक्रम था और 8 बजे से 11 बजे गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रातः दोपहर को 2 बजे से 3:50 बजे तक कार्यकर्ता गोष्ठी होगी और संध्याकालीन कार्यक्रम 6 से 9 बजे तक संगीत प्रवचन गौ गंगा गीता गायत्री और गुरु एवं विशेष वीडियो संदेश का कार्यक्रम संपन्न किया जाना है। श्रवण कुमार सोनवाने। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे हरिद्वार से आए हुए जो परिजन हैं और मंच संचालन में जो कर रहे हैं वहां से कार्यक्रम का उद्देश्य भी बताया जा रहा है क्या है और आज का कार्य जो हुआ है सामूहिक जप ध्यान पंचकोशी साधना प्रज्ञा योग व्यायाम और गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार भी होने जाएगा पर कल है संस्कार। कार्यकर्ताओं की गोष्ठी भी आज होगी 2 बजे से, संगीत प्रवचन गौ गंगा गीता गायत्री और गुरु एवं इसका एक विशेष यानी वीडियो संदेश यानी प्रसारित भी होगी। तो ये आज का कार्यक्रम है, फिर कल अन्य कार्यक्रम होंगे। महेश प्रसाद वर्मा। जीवन साधना की चार सुविधाएं ये भी भगवान को समर्पित करेंगे।